What's up guys, एक नया दिन और एक नया व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। पर आज हम करेंगे क्या? ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है कि आज हम जा रहे हैं एक वीडियो सॉन्ग शूट करने, और ये सॉन्ग मेरे नेक्स्ट कवर के लिए। पिछले कवर पे तो आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिखाया कि मैं उसके लिए बस आपको थैंक यू जितना ही बोलूं उतना कम बनेगा। और मैं बहुत ट्राई करूंगा कि इस बार का भी जो कवर है वो पहले से ज्यादा बेटर हो, और ऐसे ही कवर्स आगे भी आते रहे। और फिलहाल हमें जाना है ग्लोबल फॉयर में, जो की है पालम विहार में। तो पहले वहाँ जाते हैं, और फिर पहले तो यार कपड़े चेंज करूँ मैं, बेटर। तो मिलते हैं वहीं पे। आप देख सकते हैं कि हम आ गए ग्लोबल फॉरेन मॉल में। हम क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैं आ गया हूँ ग्लोबल फॉरेन मॉल में, और अभी मैं फिलहाल वेट कर रहा हूँ। अभी मेरे जिनके साथ मैं अभी आया था उनका मैं भी वेट कर रहा हूँ, और देखते हो कितने देर में आते हैं। क्योंकि आ तो वो पहले गए थे, लेकिन अभी फिलहाल उनकी बाइक को यहाँ पे हटवा दिया गया है, तो वो पार्क करने गए। तो उनको पार्किंग में कितना टाइम लगेगा देखते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेता हूँ जगह। तो ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और हम लोग अब शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसमें इसका कम शॉट दिखा पाऊँ आपको, लेकिन ट्राई करूँगा जितना ले सकता हूँ उतना लूँ। स्टार्ट। तो आधी से आधा शूटिंग कंप्लीट हो गई हमारी, और अभी हम लोग फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो बाकी शूटिंग करनी है वो थोड़ी से नाइट टाइम में करनी है, तो उसके लिए डार्क एनवायरनमेंट चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा चिल कर रहे हैं, और ये है गुरप्रीत। ये हमेशा ब्लॉग में आने की बात करता है, और बोल कुछ। मैं भाई व्लॉग में आने के लिए बोल रहा हूँ, मजाक को छोड़ के। यहाँ आते टाइम एक अभी एक बकचोदी हुई है हमारे साथ। हम लोग जा रहे थे शूटिंग करने, तो शूटिंग करते करते ये चीज़ दो जगह हुई है, तो यहाँ पे भी हुई, और दोनों एक साथ हुई है। अब एक कुत्ते हाँ, तो फिर बकचोदी ये हुई कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और फिर यहाँ से कोई आया यहाँ के अथॉरिटी वाला, और वैसे एक्सपेक्टेड ही था कहीं ना कहीं, तो उठ के बोलने लगा कि भाई तुम लोग क्यों यहाँ पे शूट करो। हमने बता दिया कि भाई हम लोग यहाँ पे इसलिए आए कि थोड़ा बहुत शूट करना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। तो उसने बोला तुम अपने मैनेजर, हमारे मैनेजर है उनके पास जाओ। फिर मैनेजर के पास हम लोग गए, तो मैनेजर के पास जाने के बाद उनसे थोड़ी बहुत बात कर ली, तो अब वहाँ तक तो सेटल हो गया। लेकिन फिर उसके बाद एक गार्ड के पास, मतलब हमने मतलब एक गार्ड था, तो हमने शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो अपना अलग ही मचा रहा है कि भाई तू मत रिकॉर्ड कर, तो दिमाग ख़राब हो गया उसकी वजह से। तो पर हमने अपना यहाँ का काम कर लिया, अब थोड़ा बहुत रात में करेंगे। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अंसल मॉल, वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर आएंगे, और उसके बाद का देखते हैं क्या है। नहीं, राइट, हल्का राइट क्या, सॉरी, सही पकड़े हैं, लेफ्ट में। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी अंसल बाजार नहीं गए, हम लोग यहीं पे आ गए किसी पास के फूड जॉइंट में, और यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर रुक के खाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही रात का थोड़ा टाइम हो जाए तो हम लोग रात की शूटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे, देखते कहाँ जाएंगे। काम ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अब इसके बाद हम लोग जाएंगे घर, और घर जाने से पहले थोड़ी बहुत घूम लेते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद आराम से घर जाएंगे और रेस्ट करेंगे। काम एकदम मस्त हुआ है,
और होपफुली आपको अच्छा भी लगे। हमने पूरा ट्राई किया आपको बेस्ट देने का और होपफुली हमारा ब्लॉग भी जब आए तो आपको बहुत अच्छा लगे। स्टे ट्यून। वहाँ का काम कम्प्लीट हो गया है, ये दोनों चले गए हैं और अभी मैं और गुरप्रीत घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं घूम रहे हैं, बस यहाँ पे घूम ही रहे हैं, लिटरली घूम रहे हैं हम लोग। और इतना हमने चक्कर यहाँ पे मार लिया आज, हमारा कुछ नहीं है। जल्दी से घर जाना है, सोना है बस। भैया वॉशरूम कहाँ है भाई? भैया बता दो भैया। भैया जी भैया जोर से रहिए भैया। चल भाई मेरे और जाने का जल्दी कर, गलत में ना घुसाइयो बस। सही है वो गलत का चार तू सही पकड़। हम आए हैं यहाँ पे ब्लॉग के एंड में, जहाँ पे अभी हम लोग डोमिनोज में बैठे हैं, थोड़ा कोने में आ रहे हैं, कोने में, लिटरली कोने में आए, जैसे ये दिख रहा है ना कोना है यहाँ पे, जगह नहीं बैठने की। और यहाँ पे हम खाएंगे ऑब्वियसली डोमिनोज में, और क्या करेंगे। आज मैं दिमाग खराब हो गया तो मैं आज ब्लॉग में कुछ भी ऐसा वैसा बोल रहा हूँ, तो आज के ब्लॉग के लिए सॉरी पहले से अगर कुछ भी गलत लगे आज के ब्लॉग में, लेकिन होपफुली ये ब्लॉग थोड़ा सा एंटरटेनिंग आपको लगा होगा। पहले से मैंने ट्राई किया कि रेगुलर ब्लॉग करूँ, पर यार रेगुलर ब्लॉग इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि हर दिन फालतू में घर पे बैठ के ब्लॉग करने से फ़ायदा ही क्या है, मतलब कुछ और जब होना चाहिए कुछ तो ही करो, तो मैं जितना ट्राई करता हूँ बाहर जाके ब्लॉग करूँ। भैया कितना कन्विंस करोगे? बोलो भैया आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। सुन तो लिया, आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं डिस्प्ले कर दूँगा, और वो सब कर दो। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से बच के रहो, और मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, मौका मिला तो। बाय। आज भी हमारे पास एक खाना है जिसको हम लोग रिव्यू करेंगे, जो कि है डोमिनोज का चिकन विंग्स। देख सकते हैं कि तो चार चिकन विंग्स है और इसकी प्राइस कितनी है, 150 रुपीज़। मतलब लिटरली ये जो चीज़ है ना, मुझे ऐसा बर्बाद है, मेरा तो मूड खराब हो गया लिटरली। इतने में क्या ही मिलेगा, मतलब KFC का तो रिव्यू दिया था, एटलीस्ट हमें पीस तो ज़्यादा मिलते थे, लेकिन ठीक है, झेल लेंगे।